गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम देखेंगे वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। होता क्या है, विंटर में हम वूलन क्लॉथ्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वूल है दैट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और जो वूल है उसमें, जो वूल का फैब्रिक होता है ना, उसमें एयर भी ज्यादा ट्रैप होती है, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है वो ज्यादा रहता है, और गैप ज्यादा है तो इसमें एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर जो है हीट का पुअर कंडक्टर है। तो जो ये आपकी बॉडी से हीट रिलीज होगी तो उस हीट को बाहर सराउंडिंग में नहीं जाने देगी, क्योंकि हमने बताया कि एयर जो है पुअर कंडक्टर है हीट का। तो दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, क्योंकि आपकी बॉडी से जो हीट निकलेगी उस हीट को सराउंडिंग में नहीं जाने देगी, तो आपकी बॉडी अपने आप को वार्म फील करेगी। ठीक है, सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइंट टूगेदर। और अब आपको यह बताना है कि आपको चॉइस दिया, तो आप एक थिक ब्लैंकेट लेंगे या दो थिन ब्लैंकेट लेंगे जिनको आप ज्वाइन करके यूज कर सकते हैं, तो आप कौन सा चूज करेंगे और क्यों चूज करेंगे? आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप दो थिन ब्लैंकेट ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके बीच में एक लेयर ऑफ एयर रहेगी, और अभी हमने क्या बताया, एयर जो है हीट का पुअर कंडक्टर है। तो जो आपने दो थिन ब्लैंकेट जोड़े हैं वो आपको ज्यादा गर्म फील करवाएंगे, आपकी बॉडी वहां पे ज्यादा वार्म फील करेगी जब आप दो ब्लैंकेट को जोड़ के यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों के बीच में एयर गैप है, एयर की लेयर है, आपकी बॉडी से जो हीट रिलीज होगी उस हीट को ये एयर बाहर सराउंडिंग में नहीं जाने देगी, नहीं जाने देगी, तो आपकी बॉडी जो है वार्म फील करेगी। और यही एक रीजन है कि सर्दियों में जो आपको वार्मनेस चाहिए, वूलन क्लॉथ्स यूज करना, ब्लैंकेट, वूलन ब्लैंकेट्स यूज करना। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई वी यूज वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।